सीएम डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या में गुरुदेव नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 86वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या की भूमि को और संतों को प्रणाम किया। कहा कि भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मथुरा में बाकी हैं। आपके नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराएं, यही आपसे अपेक्षा है। सात पवित्र नदियों में से एक अयोध्या नदी अवंतिका से आता हूँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, पूरे संत दंड को प्रणाम करता हूँ। और हम सब इस धाम में महाराज जी का 86वां जन्म दिवस मना रहे हैं। ये बात सही थी कि समय की कमी थी, लेकिन हमने कहा महाराज जी का जन्मोत्सव है और मैं नहीं आऊंगे हो नहीं सकता है, हमने कहा जरूर आना चाहिए किसी हालत में। और अब तो महाराज जी मेरा तो हो रहा इस मामले में भगवान की दया से भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा था, मथुरा में बाकी। आप महाजी के अध्यक्ष हैं, हम सब अपील करते हैं कि आपके नेतृत्व में गोपाल कृष्ण जी मुस्कुरा रहे, इसका आनंद हम उठाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हमारे राम कृष्ण की धरती पे भगवान कृष्ण का राम जब तक आनंद से नहीं जगमगाएगा सनातन संस्कृति के बारे में हम सब के लगे अधूरापन है, कुछ सुनापन। ये आपका ही संघर्ष से और जय मणिराम छावनी जी के जो आप छठे महंत बने, मैं तो आप वास्तव में ये जैसे तो हर श्वास गिनती की है और ऐसे में साल गिनना तो बहुत बड़ी बात है। और अभी मानी पुगैया जी ने कहा कि मैं 1008 की कामना करता हूँ। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आप सहस्त्र आयु लिए और दुर्ग राजा के हम सबके लिए सदैव मार्गदर्शन करते रहे। मैंने अपने शासन काल में कुछ नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ आपके मार्गदर्शन में बदलाव भी किया है। हमारे भगवान राम की भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा हमारी उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम जब तक अपनी नई पीढ़ी को इससे परिचित नहीं कराएंगे तो ऐसा लगेगा अधूरापन रहेगा। इसी प्रकार के गौशालाओं के लिए भी हमने मानदेय डबल किया है, कोशिश कर रहे हर पंचायत में गौशाला बने और कुल मिलाकर के ये जो गौ माता की बात माननीय महाराज जी ने कही थी जैसे विस्तार से करने में समय लगेगा, लेकिन आने वाले 2028 के सुमस की तैयारी में भी हमारी सरकार लगी हुई है। अपनी उज्जैन की गौशाला मुझे याद दिलाई है महाराज जी के नेतृत्व में, हमने इंदौर रोड की गौशाला को भी गोद लिया, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। महाराज जी के नेतृत्व में पहले हमने वहाँ एक संस्कृत की पाठशाला भी बनी थी और आप जैसा बताएंगे, लेकिन मूल रूप से तो फिर एक बार आपका ये पूरा उत्सव मैं मान के चलता हूँ कि ऊपर से परमात्मा भी देख रहा हूँ, कोई हमने अपने आंखों से देवता भी देखे, लेकिन हम आपको देख करके लगता है कि आप इतने इस प्रकार से जीवन जी करके कामना करते हैं, परमात्मा कितना प्रसन्न होकर के पूरे घटनाक्रम में हमको साक्षी बनाना। मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ, मुझे मौका मिला है, परमात्मा करे आप दीर्घायु हो सदैव ये हमारे सतीश में। जब तक भगवान कृष्ण मुस्कुराएंगे तब तक ये आशीर्वाद बनता रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः आयोजन और अन्य समिति को शुभकामना बधाई, और जैसा आप कभी भविष्य में आगे कोई आदेश करेंगे मध्य सरकार सदैव आपके चरणों के आपके आदेश के इंतजार में बिल्कुल सदैव तत्पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।